भारतीय इतिहास में एक तारीख ऐसी भी है जिस दिन इस लोकतंत्र को ग्रहण लगा था। वह तारीख थी 25 जून 1975। न्यायपालिका और अपने राजनीतिक विरोधियों से चिढ़ी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ताक पर रखकर मात्र अपना राजनीतिक अस्तित्व और सत्ता बचाने के लिए 25-26 जून 1975 की मध्य रात्रि को देश पर न सिर्फ आपातकाल थोपा बल्कि हर वो कदम उठाए जिससे वह राजनीतिक विरोधियों का दमन कर सके। लेकिन उस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए एक आवाज ऐसी भी थी जिसे ना तो इंदिरा गांधी की पुलिस रोक सकी और ना ही वो लोग जिन्होंने इस आपातकाल की पटकथा लिखी थी। वह आवाज थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की। आपातकाल के बाद विरोध को कम करने और संघ स्वयंसेवकों की आवाज को दबाने के लिए 4 जुलाई 1975 को संघ के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तत्कालीन सर संघचालक बाला साहब देवरस को 30 जून को ही नागपुर स्टेशन पर बंदी बना लिया गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पूर्व ही आह्वान किया, इस असाधारण परिस्थिति में स्वयंसेवकों का दायित्व है कि वे अपना संतुलन न खोएं, संघ कार्य जारी रखें तथा यथापूर्ण जनसंपर्क, जन जागृति और जन शिक्षा का कार्य करते हुए अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करने की क्षमता जन साधारण में निर्माण करें। संघ के स्वयंसेवकों ने चुनौती को स्वीकार कर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया और एक राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन आरंभ कर दिया। थोड़े ही दिनों में देश भर की सभी शाखाओं के तार भूमिगत केंद्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ गए। भूमिगत नेतृत्व एवं संघ द्वारा प्रेरित विभिन्न संगठनों ने भी इस आंदोलन को सफल बनाने हेतु अपनी ताकत झोंक दी। संघ के स्वयंसेवकों ने गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों, निष्पक्ष बुद्धिजीवियों एवं विभिन्न विचार के लोगों को भी एक मंच पर एकत्र कर दिया। सबसे बड़ी शक्ति होने पर भी संघ ने अपने संगठन की सर्वश्रेष्ठ परंपरा को नहीं छोड़ा। तत्कालीन जन आंदोलन, जो लोक संघर्ष समिति तथा युवा छात्र संघर्ष समिति के नाम से प्रारंभ हो चुके थे, उसमें संघ के स्वयंसेवकों की बड़ी भागीदारी थी। संगठनात्मक बैठकें, जन जागरण हेतु साहित्य का प्रकाशन और वितरण, संपर्क की योजना, सत्याग्रहियों की तैयारी, सत्याग्रह का स्थान, प्रत्यक्ष सत्याग्रह, जेल में गए कार्यकर्ताओं के परिवारों की चिंता और सहयोग, प्रशासन और पुलिस की रणनीति की टोह लेने आदि अनेक कामों में संघ ने अपने संगठन कौशल का परिचय दिया। लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के दौरान सत्याग्रह करने वाले कुल 1,30,000 सत्याग्रहियों में से 1,00,000 से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। मीसा के अधीन जिन 30,000 लोगों को बंदी बनाया गया उनमें भी 25,000 से अधिक संघ के स्वयंसेवक थे। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 से अधिक स्वयंसेवक बंदी ग्रहों में उत्पीड़न और जन संघर्ष के दौरान बलिदान हो गए। उनमें संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख श्री पांडुरंग क्षीरसागर भी थे। जब भारतीय समाचार पत्र और पत्रिकाएं क्रूर सेंसरशिप के चलते बेड़ियों में जकड़ी हुई थीं, उस समय संघ के स्वयंसेवक ही गुप्त रूप से 2 और 4 के समूहों में गांव-गांव, शहर-शहर जाकर पत्रकार की भूमिका में सही जानकारी तथा अन्य भूमिगत साहित्य लोगों तक पहुंचा रहे थे। जब लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा था तब भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जिसका वर्णन विदेशी पत्र पत्रिकाओं में भी देखा जा सकता है।
भारत में अधिकतर समाचार पत्र व पत्रिकाएं सेंसर के कारण सही जानकारी जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। कुछ विदेशी पत्रकारों ने यहां के हालात पर अपने देश में जो भी रिपोर्टिंग की, उन सभी में एक ही बात प्रमुखता से थी कि अगर कोई भारतीय संविधान को बचाने के लिए दमनकारी सरकार को जोरदार टक्कर दे रहा है तो वह संघ शक्ति ही है।